वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग आए हैं कलसुबाई ट्रैक, यस, यहाँ पे। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं बेस कैंप पे, और यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट फ्रेश अप हो रहे हैं। हम लोग कल रात को 10 बजे निकले थे फ्रॉम बेलापुर नवी मुंबई, और कुछ अराउंड 3:30 हम लोग नीचे पहुँच गए थे जहाँ से गाड़ी आगे नहीं आ सकती। तो या वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग ने अभी एक आधे घंटे का कुछ नॉर्मल ट्रैक रहता है जो ये विलेज तक लेके आता है। यहाँ पे एक होटल सह्याद्री है, ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको खाना और सब कुछ मिलेगा। एंड अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है कलसुबाई टेम्पल, यस, ये मेन टेम्पल है जो पहले बना था। तो कलसुबाई के बारे में लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक लेडी रहती थी जिसका नाम कलसुबाई था, तो उसको गांव वालों ने पनिशमेंट दिया था कि गांव से निकलने का। तो वो पहले यहाँ पे रहती थी, तो उसका बेस्ट टेम्पल जो है वो यहाँ पे है, और जब उसको निकाल दिया यहाँ से गांव से, तो वो जाके ऊपर रहने लगी, ऊपर ही उसकी डेड हो गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो पूरे पहाड़ को नाम उसके नाम के ऊपर रख दिया। तो ये है स्टोरी कलसुबाई का, और इसका हाइट है कुछ 5400 फीट, एंड इन मीटर्स इट इज़ 1646 मीटर्स। अभी ये सुबह के कुछ 6 बजे है, और हम लोग अभी जस्ट नाश्ता करेंगे यहाँ पे सह्याद्री होटल में। सह्याद्री होटल के डिटेल्स मैं आपको इधर नीचे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग सब खाना खाएंगे यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे ऊपर के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 6:30 और मैक्स 7 के आसपास हम लोग चढ़ाई चालू कर देंगे। चलो चलते हैं अभी। हाँ, बाय द वे इस बार हम लोग 30 लोगों को साथ लेके आए, 30, यस। पहली बार हम लोग ने और ट्रेक ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत सारे ऑफिसेज के बंदों को हम लोग साथ में लेके आए हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्लान बनेगा, डोंट मिस टू चेक माय इंस्टाग्राम आईडी। या चलो अभी नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। Climbing trek, Kalsubai fort. It's around 4 hours of journey, and 7 a.m. in the morning. So I think we'll reach by 11 on the top, and from there, I guess 1 hour we'll do time pass and we'll head back to the base village. There are only one or two ladders are there. Again, they are not that difficult. So this whole trek is quite lengthy, and it will test your stamina. If you are a first time trekker, be prepared. Go for some exercise for a week, and then only come to this trek. अगर इफ़ यू आर कमिंग इन विंटर एंड समर्स, यू माइट नीड अ एक्स्ट्रा बॉटल्स ऑफ वाटर, एंड यस ऑब्वियसली द एक्स्ट्रा ईटेबल्स, बिकॉज दिस इज मोर टायरिंग।
find many of these kind of ladders. There are almost 5 to 6 ladders till the top, and they are quite safe, unlike Bhima Shankar's ladder if you have gone there. And we have reached till 1360 meters. It's total of 1646. So still 300 to go. Today we are very lucky to have a clear climate so that we can enjoy the whole view. पहुंचने से 20 मिनट पहले यहाँ पे 3-4 स्टॉल्स है जहाँ पे आपको मैगी भजी और चाय और वो सब मिलता है, बिस्किट्स एंड ऑल. तो यहाँ पे भी आप रिफ्रेश हो सकते हो. या अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 90% तो कंप्लीट कर ली है, जस्ट एक लास्ट का 20 मिनट का पैच बाकी है. तो अभी सबको लेके निकलते हैं. पूरा दिन बारिश तो ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन इतना ज़ोर से हवा चल रहा है ना. ब्लास्ट मारता रहेगा आपको भी. बहुत ठंडी लग रहा है. We are climbing the last ladder. And we are on the top finally. What's your experience? It's 11:55 and हम लोग ऑलरेडी रिटर्न जर्नी स्टार्ट किया है. अभी हम लोग का नेक्स्ट प्लान है कि हम लोग 1.5 घंटे के अंदर नीचे पहुँचने को ट्राई करेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल बिकॉज इतना उतरना बहुत ईजी है और हम लोग बहुत अभी हॉल्ट लेने वाले नहीं है क्योंकि वी हैड अ लॉन्ग हॉल्ट देयर इटसेल्फ. सो या अभी हम लोग डायरेक्टली 1.5 and 2 hours में नीचे उतरेंगे. तो अप्रोक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक हम लोग लंच पॉइंट पे रहेंगे. लंच पॉइंट पे चिकन हमारा राह दिख रहा है भाई लोग. या आज के लिए इतना ही गाइज. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन देन चेक माई इंस्टाग्राम ID. चलो तब तक के लिए घूमते रहो, घुमाते रहो एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइज. Goodbye. See you next time.